तो ये जा रहे थे पेरेंट्स मीटिंग में, तो इनका तो ये एक गायत्री को मिला था हमारे बारे में, चांदी का लग रहा है ये, चांदी का ही होगा। दिवाली की तैयारी चल रही, दिवाली की 4x4 के यार। गाइस इसका नाम गाइस है, ये गाइस है। हेलो गाइस, स्कूल पापा वहां पे रेंग पापा छोड़ के गिरे क्योंकि वहां पे काम है पापा का। क्या काम है? आज भव्य की है पीटीएम मतलब पेरेंट्स मीटिंग, और हम जाते हैं देखते हैं क्या होता है, कैसा पेपर गया इसका। ऑफिशियली एग्जाम खत्म हो गए हैं इसके, इसकी शिकायत पिकायत करना ठीक है, ये ज्यादा शरारती है। अच्छा नहीं मैडम से बोलना, इसकी कौन सी मैडम हो? कौन सी मैडम बता दीजिए। नहीं चंपा मैडम चल गया था, थाल देर देती है वो चंपा मैडम। नहीं पापा नहीं बोलना, चल ये अब जैसे कह रहा है कि मत बोलना मुझे, चल लग रहा है। हेलो अंकल जी। हेलो, आप आइसक्रीम भी बेचते हो और फिर पार्ट टाइम जॉब है आपकी? नहीं ये है देखो उबले हुए चने, ब्लैक चने तो भैया अच्छे ही होते हैं। तो ये जा रहे थे पेरेंट्स मीटिंग में, तो इनका ये खाते हैं हर बार जब जब अंकल जी आते हैं। अंकल जी आप कहाँ रहते हो? खटोल नंबर 2 का एक और आया था वो जो बाहर लेके बर्तन वगैरह। ये सिंपल बना लो बच्चों के लिए ना, ये बच्चों के लिए हो गया ना, कटोरे ले आ जा। हेलो हेलो, खाली बना दे खाली, ये तो तेज बना दे थोड़ा तेज है, सारा माल में तेज है, चार भी डाल दो आप माल में, चार मोड़ी भी है ऐसे, इसमें डलवाओगे तो चने कम कर देंगे। सब सिस्टम है, पूरा सेटअप है, पूरा सेटअप है इनका। सर्दियों में गर्मियों में अलग अलग, बढ़िया बढ़िया। एक चम्मच दो चम्मच तो खा जा। ये बनवा दिए बच्चों के लिए, देख आती इसमें हरी मिर्च हटा दी जरा, और अब हम खाएंगे ये झाल मूढ़ी। नहीं चना, चना। अबे ये क्या लाया ये काती? एक को इसमें डाल दे, एक मुझे देते, कटोरे ले आता तो सही रहता। नहीं खा रहा, खा ले यार, कप खा ले, ये खाता ही नहीं है, कुछ नहीं खाता है, क्यों नहीं खाता है? नहीं खाता कुछ, आज नहीं खाना। ले एक तो एक वाइट खा ले, थोड़ी सी दे दो। हो गया पूरा काम दाम, होगा भी बड़ा, फिर दोबारा करेंगे, गांव बस्ती के काम चल रहे हैं अभी है। दिखा दे, लव दिखा दे जाकर, तो यह भव्य ने कर दिया स्कूटर खराब अपना, अब पता नहीं सही होता नहीं होता है। हाँ भाई क्या लिया ये? अनाज पानी, मैं भी तो कह रही हूँ मट्टी, ये हमारे धान है। कौन सी मट्टी का धान? 8 कट्टा धान आए हमारे मट्टी अपनी खेती बाड़ी से। ओए हटियो बेटा चला जा, ये लेके आए ट्रैक्टर में 4x4 के। गाइस इसका नाम गाइस है, ये गाइस है। हेलो गाइस, ये भाई भी गाइस ही हो गए। रुक जा पहले जगह बना दे सौरभ, यहाँ से जगह उठा के वहीं ले जाएंगे। अरे वहाँ पे हटा पहले जगह बने, अरे ये इतना अंदर तो हम तो घर में ही हैं। ये हनु है, हनु बताओ कुछ, ये देखो कुछ दिन बाद हम लोग वहाँ पे। तो ये गायत्री को मिला था हमारे बारे में, चांदी का लग रहा है ये, चांदी का ही होगा। ये शायद ये यहाँ से कुंडा था, ये जो कान में पहनते हैं ना, हो सकता है नकली तो नहीं है, 2-2 रुपए वाले पता नहीं, ऐसे भी लग रहा है सच्ची है ये। हाँ सच्ची की है ये, गांव लाइफस्टाइल में किचन बन गया है ये। श्रीलंका में जो दासी था की कुटिया थी ना कोने में, वैसे एक कोने में ही बना दिए इन्होंने अभी। दिया
ये इसने गिरा दिया है, देखा नहीं। और ये बता रहा है बब्बे, और ये चिकना रहे हैं, बना तो दिया थोड़ा और बड़ा बना दे, देखा ये वाला है ना, है कहा हाँ हाँ थोड़ा और बड़ा होता ना ठीक रहता ना। हेलो हेलो बोलो हेलो अल्लो ना बनवा रही है अंशु आ गया तेरा दोस्तों आ गया। मैं अपने मामा के घर आपको दिखाता हूँ दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है। ये चल रही है दिवाली की तैयारी, देखो पूरा दारा लिस गया है और ये पेंट वेंट कर दिया है, मेरे मामा का घर है ये। और ये चल रही तैयारी सैयारी, ये फुलवाड़ी लाए थे अभी, ये कह रही है हमारा मत बनाना, ये हमारी भाभी है, ये हमारी माई है, ये इनकी रसोई है। मामी क्या हो रहा, ये हाथ इतने ऊपर पहुंच गया, अच्छा सीढ़ी से गए होंगे। दिवाली की तैयारी चल रही दिवाली की। ये मेरी मौसी है, ये मेरी मामी है। दिवाली में कुछ इस प्रकार तैयारी चलती है, हर घर हर उसको लेसा जाता है और सफेदी की जाती है। और मेरी मौसी ने पीछे बारे में बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी वीडियो में। ये मामा का बारा है, खेले हैं कुत्ता खेल। सारे ए या फिर मेहनत खा रहा हूँ ये तो खून डकल कहाँ है मछली, ये किसका तालाब है पहले ये तो बताओ। ये अंशु का तालाब है, मेरे मामा के लड़का का लड़के का नाम ले रहा है, ये मेरे मामा का तालाब है, ये यहाँ पे मछली पालन करते हैं मतलब अपने पर्सनल। तो दोस्तों ये है मेरे मामा का तालाब, मैं आ रहा हूँ अभी अपने मामा के घर के पीछे साइड में, ये देखो मेरे मामा का घर आ गया, ये पीछे की तरफ हूँ। और ये बारा है पूरा, ये पूरा बारा है दोस्तों, मतलब यहाँ पे मिनी गार्डन से हमारा जिंदा है। गांव में ज़्यादातर ऐसे होता है, सब घर में अपने पीछे जो जगह होती है वहाँ खाने पीने की चीज़ें लगा देते हैं, साग सब्जी धनिया वगैरह गोभी वगैरह। ये है लहसुन, 15 दिन हुए इन्हें लगाए हुए, ये लगे लहसुन। दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ मिर्ची के पेड़, मिर्ची के पेड़ यहाँ पे मेरे मामा के घर में बहुत सारे लगा रखे हैं इन्होंने, और मिर्ची भी आ रही हैं, आपको लाइव दिखाते हैं। मिर्ची भी है, धनिया की खाली नाम है, ये देखो सारे मिर्ची के पेड़ हैं वहाँ से लेके। ये देखो दोस्तों कितनी मिर्ची आ रही है, ये देखो कितनी मिर्ची है दोस्तों, ये पेड़ ही पता नहीं कौन सा है दोस्तों, इतनी मिर्ची आ रही है यहाँ पे, ये भी मिर्ची आ रही है, ये भी मिर्ची आ रही है। मैं 2-3 दिन पहले आया था, मैं देख के गया था, तो मैंने कहा चलो इसकी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों मिर्ची कितनी सारी है, ये भी मिर्ची, सारी मिर्ची का पेड़ है। मंदिर, मेरे मामा का एक पर्सनल मंदिर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ वो मंदिर। और ये है मंदिर, जय भोले बाबा की, ये है मंदिर मेरे मामा का। और ये है नंदी महाराज जी, जो मेरे मामा हैदराबाद से लाए होंगे। भाई यहाँ पे सांप भी रहता है, थोड़ा बच के रहना पड़ेगा हमें, मेरी मौसी बता रही थी ये सांप तो नहीं है, चिपकली लग रही है, चिपकली है दोस्तों। ओए चप्पल उतार के आओ दोस्तों। कुछ इस प्रकार मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे मेरे मामा ने। ये है भोले बाबा जी की, एक और मिर्ची है, और ये भाई गिर रहा तुम्हें ऊपर मत चढ़ा। वाले पतली वाले अच्छी लगती है, तो मोटी वाली है ना। चलो कर
सिर्फ कावड़ी।